फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है आयुष्मान भारत के बारे में, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। और जैसा कि थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि आज मैं बताऊंगा आपको कि आयुष्मान भारत की पात्रता को किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप उसकी एलिजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, अपना नाम एंटर करके अपने नाम से कैसे सर्च करेंगे कि हमारा आयुष्मान भारत योजना में, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें नाम आपका आया है या नहीं आया है, इसको आप किस तरह से चेक करेंगे, उसकी मैं आज पूरी डिटेल बताऊंगा आपको फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ पीसी पर। तो चलिए हम पीसी पर चलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये हम सिस्टम पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट चेक करने के लिए, आपको अपना नाम चेक करने के लिए, आपका नाम आया है या नहीं आया, कंप्यूटर पर जाकर अपना ब्राउज़र ओपन करना है। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, यहाँ पर एंटर कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, mera.pmjay.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे जो मेरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नंबर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर कर दीजिए और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। ये ओटीपी वेरीफाई होगा, ये आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। अभी देखिए, मोबाइल पर ओटीपी आने वाला होगा। ये देखिए, मैसेज आ गया, उसमें ओटीपी आया 85426। ये देखिए, ये ओटीपी है और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हो गया, ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब हमको क्या है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, आप किस तरह से सर्च करना चाहते हैं, सर्च बाई नेम, सर्च बाई राशन कार्ड नंबर, सर्च बाई मोबाइल नंबर और सर्च बाई, ये देखिए, RSBY URN नंबर। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना का जो नंबर है, उसका जो URN नंबर है, उससे आप अगर सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग, जिन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना पहले से ले रखी है, उनको भी इसका योजना का लाभ मिलेगा। तो या तो इसका नंबर या मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर, सबसे बढ़िया होता है नेम। तो बाई नेम हम इसको सर्च कर लेते हैं। बाई नेम, जैसे आप बाई नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद वाइफ नेम या जो भी हैं, मेल, फीमेल, एज और एरिया क्या है, रूरल है, अर्बन है, डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और विलेज का नाम डाल दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे आप अपना विलेज का नाम डालेंगे, पता चला कि आपका जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किसी और नाम से हो रहा है, तो यहाँ पर आपका नाम शो नहीं होगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो नाम शो नहीं होगा, इसलिए आप सिर्फ अपना नाम एंटर करें और यहाँ पर फादर नेम एंटर करें, और या फिर सिर्फ नाम ही रहने दें, या नाम, जो पूरा नाम है आपका वो एंटर करें, उसके बाद मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद एज ना सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम डाल दें और रूरल अर्बन इसको सेलेक्ट कर लें और पिन कोड डाल दें। ठीक है, उसके बाद सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। जैसे कि मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये सर्च कर रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पर मैंने नाम भी नहीं कोई एंटर किया है, ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, प्लीज़ रिफाइन द सर्च टू गेट लेस देन इक्वल टू 5 रिजल्ट। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम अपना नाम यहाँ पर एंटर करके सर्च करते हैं और यहाँ पर 5 सर्च के जो रिजल्ट हैं, 5 रिजल्ट से ज़्यादा आते हैं, तो ये रिजल्ट नहीं दिखाएगा। यहाँ पर देखिए कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ अली। ठीक है, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ अलीगढ़। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड, अब मैं सर्च करता हूँ। अब देखिए 620 यहाँ पर रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, 5 से ज़्यादा होंगे तो शो ही नहीं करेगा ये। अब यहाँ पर अली अकबर के नाम से मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 रिज़ल्ट देखिए अली अकबर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने फादर नेम, मदर नेम कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने अलीगढ़ पिन कोड और नाम डाला है, तो यहाँ 2 रिज़ल्ट इनको दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम इसमें है। अगर इन दोनों में आपका होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपका नाम नहीं आया। अब ये देखिए, यहाँ पर फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, सपोज़ कीजिए ये आपका है, आपका नाम आ चुका है, इस पर आप फैमिली डिटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए जितने मेंबर हैं वो यहाँ पर शो कर दिया गया है। देखिए, अकबर अली हैं, भूरी हैं, रिहान हैं, नूर फातिमा हैं, राशिद हैं, असगर हैं, ईशान हैं, ये यहाँ पर देखिए इनके 6-7 मेंबर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है, जैसे ये भूरी हैं, ठीक है, फैमिली के जो मुखिया हैं वो ये हैं, और ये HHD नंबर, ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है
जैसे आधार नंबर होता है सेम वैसे ही इसी के जरिए आपको गोल्डन कार्ड मिलेगा। आप इसका एक प्रिंट आउट यहाँ से ले लें और ये देखिए इनका जो है पिता का नाम और इनकी माता का नाम पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई, यहाँ से प्रिंट ले लें और इसी से आपको गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, अपना नाम किस तरह से आप सर्च करेंगे। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लेकिन एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, आप जो बेल आइकन का बटन आपको ये जो रेड सर्किल में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, इस बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप जब इसको प्रेस कर देंगे तो मेरे आयुष्मान भारत को लेकर अगले जो अपडेट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।